कोरोना की दूसरी लहर के बीच देश भर में ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा सकती है, लेकिन राजधानी में ऑक्सीजन की किल्लत के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट समेत सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की फटकार भी लगाई है। लेकिन अब ऑक्सीजन की किल्लत को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने अहम कदम उठाया है। आपको बता दें कि आज दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों को भी ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं होगी। दरअसल दिल्ली सरकार ने एक पोर्टल तैयार किया है, जिसके तहत होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीज या फिर उनके परिजन इस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर प्राप्त करने के लिए फोटो, आधार कार्ड, कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट जैसी जानकारी भी अपलोड करनी होगी। अगर किसी मामले में सिटी स्कैन की रिपोर्ट है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं, ताकि ये बात बताई जा सके कि मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है। साथ ही साथ जिलों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये आदेश जारी किए गए हैं कि जो भी ऑक्सीजन के लिए आवेदन आए उसको अलग करने के लिए एक टीम बनाई जाए, और जिन लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता है उन्हें ई पास भी जारी किया जाए। जानकारी के लिए आपको बता दें कि डीएम द्वारा जारी किए गए पास में यह लिखित होगा कि आपको किस तारीख, किस समय, किस जगह और किस डिपो पर ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। डीएम को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उसी डिपो पर व्यक्ति को भेजे जहां ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध हो। ऐसा ना हो कि व्यक्ति को सिलेंडर भरवाने कहीं और जाना पड़े। दिल्ली में ये देखा गया है कि ऑक्सीजन रिफिलिंग सेंटर के बाहर लंबी लंबी कतारें होती हैं। इन्हीं कतारों को कम करने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि आज से ही इस पोर्टल पर कोई भी व्यक्ति जिसे ऑक्सीजन की जरूरत है वे आवेदन कर सकते हैं। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए जुड़े रहे पंजाब केसरी के साथ।